Hello everyone, this is Sonia Jain from Online Education. Now coming to question number 7 of exercise 3.4, and the question is, a number is divisible by 12, by what other numbers will that number be divisible? मतलब कि कोई नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, तो बताओ वो और कौन से नंबर्स हैं जिनसे वो नंबर डिविजिबल होगा. मतलब क्या है क्वेश्चन का, जैसे कोई नंबर है, लेट्स से x कोई नंबर है, वो 12 से डिविजिबल है, तो बताओ जो x है और किस किस नंबर से डिविजिबल होगा. राइट अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से कि कोई एक नंबर है और वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है. लेट्स से कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है. अगर हम कहें कि 24 एक नंबर है जो 6 से डिविजिबल है. राइट 6 से डिविजिबल है 24, 6 4 24. तो बताओ कि जो 24 है और किस किस नंबर से डिविजिबल होगा. अभी हमें डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं देखना, डिवीज़न करके नहीं देखना. अगर हम ऐसे ही बोले कोई नंबर लेके कि अगर ये 6 से डिविजिबल है तो बताओ किस से डिविजिबल होगा, तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो नंबर 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा. क्यों? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी जैसे हमने किया था कि 6 से कब डिविजिबल होता है कोई नंबर, जब वो 2 और 3 से डिविजिबल होता है. यानी कि अगर ये नंबर 6 से डिविजिबल है तो ये 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, तभी ये 6 से हुआ है. ठीक है, तो ये 2 और 3 दोनों से हुआ होगा तभी 6 से हुआ है. और 2 और 3 6 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं. 2 और 3 6 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं. तो मतलब अगर 12 से ये नंबर x डिविजिबल है, तो यानी कि जो x जो होगा वो 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. राइट तो अभी अगर मैं इसके फैक्टर्स निकाल लूँ, फैक्टर्स ऑफ 12. राइट फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे क्या होंगे? एक तो 1 होगा, एक 12 होगा, उसके अलावा 2 6 जर 12, 3 4 जर 12 और 4 3 जर और नहीं होंगे. राइट तो ये हमारा जो नंबर होगा, x जो नंबर होगा वो इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा. लेकिन क्योंकि 12 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो उसने पूछा 12 के अलावा कौन से नंबर्स हैं, तो और 12 के अलावा कौन से नंबर्स बचे? 1 2 3 4 6. यानी कि ये जो x होगा, ये जो नंबर होगा वो 12 के अलावा 1 2 3 4 एंड 6 से डिविजिबल होगा. So now this is the answer. Now stay tuned for more videos. Till then, bye bye.